ऑस्ट्रेलिया एक मुश्किलों से भरा हुआ कॉन्टिनेंट। झुलसा देने वाले रेगिस्तानों से लेकर उमस भरे जंगलों और तूफानी समुद्री द्वीपों तक, यहां हर चीज आपकी जान की दुश्मन है। पर कुछ जीव ऐसे हैं जिन्होंने हर तरह की परिस्थितियों में राज किया है, और वो हैं सांप। ये शातिर, आक्रामक, सेंध लगाकर वार करने वाले जीव, जिनका जानलेवा जहर इन्हें पूरे देश के सबसे खतरनाक शिकारी का दर्जा दिलाता है। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया के सांपों की, और कैसे वो दुनिया के सबसे खतरनाक कॉन्टिनेंट पर आज राज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की करीब 70% जमीन रेगिस्तान है। यहां पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और पानी की भी कमी रहती है। यहां जिंदा रहना भी किसी जंग से कम नहीं है, पर कुछ जीवों ने यहां जिंदा रहने का तरीका खोज निकाला है। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट से ज्यादा रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, और हर किसी के पास रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए अपना एक अलग हथियार है, जिसमें से सबसे घातक हथियार है जहर, जो कि सांपों के पास है। ये फीमेल इनलैंड टाइपैन इस वक्त शिकार पर है, एक ऐसी जगह जहां पर खाना बहुत ही मुश्किल से मिलता है। इस शिकार के हर मौके का फायदा उठाना बहुत जरूरी है। दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों के जहर से लैस इस टाइपैन स्नेक की एक बाइट अपने शिकार को सेकंड्स में पैरालाइज कर सकती है और जान भी ले सकती है, पर पहले इसे शिकार को ढूंढना होगा। इसकी जीभ पर लगे खास रिसेप्टर्स इसकी शिकार को ढूंढने में मदद करते हैं, और आखिरकार इसे खाने की खुशबू आ चुकी है। एक रेगिस्तान का चूहा, वो चूहे के गंध का पीछा करते करते उसके बिल तक पहुंच गई है। अब वो अपने लंबे लचीले बदन की मदद से उसे एक कोने में खदेड़ देती है। चूहे के लिए भागने की कोई जगह नहीं बची है, वो वार करती है और पीछे हट जाती है। ये टाइपैन स्नेक्स के शिकार करने का अनोखा तरीका है। ऐसा करके वो अपनी ऊर्जा बचा रही है। अब भागने का कोई फायदा नहीं है। कुछ ही सेकंड में टाइपैन स्नेक के जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। न्यूरोटॉक्सिन्स ने चूहे को पैरालाइज कर दिया है, और हीमोटॉक्सिन्स ने खून के प्रवाह को रोक दिया है। बस कुछ ही मिनटों में उसका शिकार दम तोड़ चुका है, और अब वो उसे खा सकती है। उसके लचीले जबड़े शिकार को पूरा निगलने में उसकी मदद करते हैं। सिर से शुरुआत करके उसे निगलने में आसानी होगी, और इस तरह से वो उसे पूरा निगल जाती है। अपने दांतों की मदद से वो शिकार को नीचे धकेलती है। टाइपैन का जहर शिकार को मारने में उनकी मदद तो करता है, पर जहर बनाने में उनकी काफी एनर्जी लगती है, इसलिए इसके अगले शिकार के लिए इसका पेट भरकर खाना बहुत जरूरी है। उसे बिल में और चूहों की गंध आती है। वो अपने चिकने लचीले बदन की मदद से चोरी छुपे उनकी तरफ बढ़ती है। इस बड़ी दावत से उसकी प्रेगनेंसी ट्रिगर हो सकती है,
फीमेल टाइपन्स मेल स्पर्म को एक साल तक स्टोर कर सकती हैं, और एक साथ ढेर सारा खाना मिलने पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत हो सकती है। अगर वो कामयाब हुई तो इससे उसे सांपों की अगली पीढ़ी को इस दुनिया में लाने के लिए एनर्जी मिलेगी। जहां कुछ प्रजातियों ने बंजर रेगिस्तान में जिंदा रहने का तरीका खोज निकाला है, वहां बाकी प्रजातियों ने एक बिल्कुल अलग क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स का क्षेत्र है। ये घने जंगलों का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि ऑस्ट्रेलिया का बस 1% लैंड मास कवर करता है। इन जंगलों में देश के किसी भी और हिस्से से ज्यादा रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। ये जंगल देश के 30% से भी ज्यादा सांपों की प्रजातियों का घर है, जिनमें से एक है बदनाम एमेथिस्टीन पाइथन, जिसे किंग ऑफ द जंगल के नाम से भी जाना जाता है। आठ मीटर तक लंबे हो जाने वाले ये एमेथिस्टीन पाइथन क्रोकोडाइल से भी लंबे होते हैं। इनका ताकतवर मांसपेशियों वाला शरीर इनका सबसे बड़ा और जानलेवा हथियार होता है, और ये डेजर्ट स्नेक्स की तरह जहरीले नहीं होते। ये अपने शिकार को जकड़कर उसे मारते हैं। हाल ही में एक स्टडी में पता चला है कि पाइथन्स एशिया से करीब 23 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलिया आ गए थे, जिनमें से कई जंगलों में आकर बस गए। इस बेहद घने जंगल में एमेथिस्टीन पाइथन की सूक्ष्म इंद्रियां इन्हें अपने शिकार का पता लगाने में मदद करती हैं, रात के अंधेरे में भी। रात में शिकार करते वक्त पाइथन अपनी आंखों का नहीं बल्कि इंफ्रारेड सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। इनके सर पर मौजूद पिट ऑर्गन्स इनके शिकार के शरीर की गर्माहट का पता लगा लेते हैं। शिकार की मौजूदगी का एहसास होते ही ये अपनी जीभ की मदद से निशाना सांपते हैं। आखिरकार खाना तैयार है, एक जंगली चूहा। अब बस इस पर सही समय पर वार करना है। इस जानलेवा 30 किलो के शिकारी की पकड़ से बचने का कोई तरीका नहीं है। पाइथन चूहे को साबुत निगल जाता है। कुछ समय पहले तक कोई नहीं जानता था कि सांप अपने शिकार को डाइजेस्ट कैसे करते हैं, पर हाल में किए एक खोज में पता चला है कि इनका मेटाबॉलिज्म 40 गुना बढ़ जाता है और इनके आवश्यक अंग कुछ समय के लिए दुगने हो जाते हैं ताकि ये तेजी से कैलोरीज को पचा सकें। आज का खाना काफी अच्छा रहा है, आखिर मेहनत का फल मिल ही गया। जहां एमेथिस्टीन पाइथन को किंग ऑफ द जंगल का दर्जा दिया गया है, थोड़ी ही दूर देश के दक्षिणी मध्यम तापमान के जंगलों में, जहां एक तरफ यूकलिप्टस ट्रीज देखने को मिलते हैं, एक सांप को किंग ऑफ द बुश का दर्जा दिया गया है। ये है एक खूंखार लाल पेट वाला ब्लैक स्नेक। ये बेहद जहरीले सांप
ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर राज करते हैं। ये पानी और जमीन दोनों पर शिकार करने में माहिर होते हैं। पानी में रहने वाला कोई भी जीव इनसे सुरक्षित नहीं है, खासकर एक नर सांप से जब वो प्रजनन के समय में हो। ये मादा की तलाश में काफी दूरी तय कर चुका है और इसलिए काफी गुस्से में है। यह चालाकी से पानी में उथल पुथल मचा रहा है ताकि इसका शिकार बाहर निकल आए। ये स्पॉटेड मार्श फ्रॉग जमीन पर कहीं भी भागकर छुप नहीं पाएगा। और अब यह सांप अपने शिकार की गंध का पीछा कर रहा है। अपनी सूक्ष्म इंद्रियों की मदद से मेढक ने खतरे को भांप लिया है और अब छुपने की जगह ढूंढ रहा है, पर सांप की नजरों से दूर होकर वो बच नहीं पाएगा। शिकारी को तो शिकार का स्वाद भी आ चुका है। उसने अपने दांतों से अपना घातक जहर मेंढक में उतार दिया है और बिना समय बर्बाद किए उसे निगलना भी शुरू कर दिया है। ये रेड बेलीड ब्लैक स्नेक्स मेंढकों को जिंदा निगलने के लिए मशहूर हैं, और जिसका मतलब ये है कि उसके जहर से शिकार शायद मरा नहीं है, वो इसके पेट में जाने के बाद भी जिंदा हो सकता है। और अब भर पेट खाने के बाद नर सांप मादा सांप की तलाश में आगे बढ़ सकता है, पर यहां रास्ता बंद है। एक और रेड बेलीड ब्लैक स्नेक इस इलाके में पहले ही कब्जा जमा चुका है। रेजिडेंट मेल अपना फन खड़ा करके घुसपैठिए को डरा कर भगाने की कोशिश कर रहा है। पर लगता है कि घुसपैठिए का भागने का कोई इरादा नहीं है। अब इन दोनों के बीच होने वाली लड़ाई ये तय करेगी कि आसपास की मादा सांपों का साथी कौन बनेगा। इस लड़ाई को जीतने के लिए उसे दूसरे सांप का सर जमीन में दबाकर उसे धूल चटानी होगी। घुसपैठिए ने अपने दांत विरोधी सांप के शरीर में गाड़ दिए हैं। इनके जहर का एक दूसरे पर कोई असर नहीं होगा और ये लड़ाई को जीतने का इनका तरीका है। पर रेजिडेंट मेल भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो घुसपैठिए में अपने दांत गड़ा देता है। सांपों की लड़ाई करीब आधे घंटे तक चल सकती है, लेकिन आज नहीं। रेजिडेंट मेल ने घुसपैठिए को खदेड़ दिया है और अब उसे कहीं और फीमेल को तलाशना होगा। ऑस्ट्रेलिया के सांपों की प्रजातियां जमीन पर शिकार करने के लिए मशहूर हैं, पर कुछ प्रजातियों ने समुद्र के अंदर भी जिंदा रहने का तरीका खोज निकाला है। द ग्रेट बैरियर रीफ को प्लैनेट का सबसे डाइवर्स मरीन इकोसिस्टम माना जाता है। दुनिया के 7 प्राकृतिक अजूबे में से एक द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर करीब 3000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और साइज में जर्मनी जितना बड़ा है। समुद्री जीवों की करीब 9000 से भी ज्यादा प्रजातियां इस पर खाने के लिए निर्भर करती हैं, जिनमें सी स्नेक्स भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियन समुद्र में 2 तरह के सी स्नेक्स पाए जाते हैं, सी क्रेट्स
जैसे कि ये बैंडेड सी क्रेट, जो अपना आधा समय पानी में और आधा जमीन पर बिताते हैं। ये जमीन पर ब्रीडिंग और आराम करते हैं और शिकार के लिए समुद्र का रुख करते हैं। ये जमीन के सांपों की तरह हवा से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं, पर इनके पास एक ऐसी योग्यता होती है जिससे ये समुद्र में भी घंटों तक रह सकते हैं। ये पानी से ऑक्सीजन बनाते हैं और अपनी स्किन से सांस लेते हैं। इन्हें यह काबिलियत तब से हासिल हुई जब ऑस्ट्रेलिया के जमीन पर रहने वाले सांपों ने समुद्र का रुख किया था। ऐसा होने में 10 मिलियन साल लग गए। और अविश्वसनीय रूप से कुछ सांपों ने इवॉल्व होकर समुद्र को ही अपना घर बना लिया है। ऑलिव सी स्नेक बाकी समुद्री सांपों की तरह जमीन पर जाकर अंडे नहीं देते, ये अपनी पूरी जिंदगी समुद्र में बिताते हैं। इनकी चप्पू जैसी पूंछ पानी को काट कर तैरने में मदद करती है, और इनके स्पेशल नॉस्ट्रिल्स डाइविंग के समय खारे पानी को इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से रोकते हैं। इनकी जिंदगी जमीन के सांपों से काफी अलग होती है, पर इनके जीने का तरीका इनके जमीनी रिश्तेदारों से काफी हद तक मेल खाता है। इनका जहर और नुकीले दांत इन्हें खतरनाक शिकारी बनाते हैं। ये 2 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और इसलिए समुद्र के काफी छोटे जीव इनसे डरते हैं। कुछ समय पहले तक हमें सी स्नेक्स के अंडरवाटर सेंसरी सिस्टम्स के बारे में बहुत कम जानकारी थी, पर साइंटिस्ट्स ने इनके सीक्रेट का पता लगा लिया है। इनके पास 6th सेंस होता है। इनके गुंबदनुमा सर पर बने स्केल्स आसपास की सभी वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और शिकार का पता लगाने में इनकी मदद करते हैं और इन्हें शिकारियों से भी बचाते हैं। इस सुपर सेंस के साथ एक भूखे सांप से बचना काफी मुश्किल हो सकता है। इस मछली को लग रहा है कि ये यहां सुरक्षित है, पर ये बहुत जल्द गलत साबित होने वाला है। सी स्नेक में पाए जाने वाले बड़े दांतों से ये अपने शिकार पर पकड़ बना लेता है और उनके जरिए अपना घातक जहर उनके शरीर में उतार देता है। और बिना किसी देरी के शिकार को निगल लेता है। अपने जमीन पर रहने वाले भाइयों की तरह ही ऑलिव सी स्नेक्स भी अकेला रहना पसंद करते हैं और बस जरूरी कामों के लिए ही जोड़ा बनाते हैं। एक सी स्नेक को ब्रीडिंग का मौका बहुत ही मुश्किल से हासिल होता है, ये देखते हुए कि एक आम एडल्ट 3 साल की उम्र में सेक्सुअली मैच्योर होता है और इन्हें ब्रीड करने का मौका 2 साल में बस एक बार मिलता है। हो सकता है कि शायद जिंदगी में पहली बार इस जोड़े को रोमांस करने का मौका मिला हो। बस थोड़ी ही देर में ये मेट करेंगे, पर ये फीमेल जमीनी सांपों की तरह अंडे नहीं देगी, क्योंकि पानी में अंडों को गर्म नहीं रखा जा सकता है। और उसके बजाय मेटिंग के 11 महीने के बाद सीधे नन्हे बच्चों को जन्म देगी। C
सी स्नेक्स के समुद्री तौर तरीकों को सीखकर सर्वाइव करने की कहानी तो कमाल की ही है, पर सांपों की कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जिन्होंने कॉन्टिनेंट के एक ऐसे मुश्किल हिस्से में भी सर्वाइव करने का तरीका खोज निकाला है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। माउंट चैपल आइलैंड बास स्ट्रेट में स्थित समुद्र का एक ऐसा तूफानी हिस्सा है जो कि टैस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पड़ता है। ये उन आइलैंड्स के समूह का एक हिस्सा है जो कभी मेनलैंड के साथ जुड़ा हुआ करते थे, पर आइस एज के समय टूटकर अलग हो गए। और जब जमीन दो हिस्सों में बटी तो उसके साथ जंगली जीव भी बट गए। पर बिना मीठे पानी के तूफानी हवाएं और जमा कर देने वाली ठंड का सामना कर बस कुछ ताकतवर जीव ही सरवाइव कर पाए। चैपल आइलैंड टाइगर स्नेक्स यहां आए उन चुनिंदा जीवों में से हैं जो यहां सरवाइव कर पाए, पर खाने की कमी होने की वजह से ये ज्यादातर सुस्ताते रहते हैं और बस शिकार की गंध आने पर जागते हैं। 2.5 मीटर तक लंबे हो जाने वाले ये चैपल टाइगर स्नेक्स साइज में मेनलैंड टाइगर स्नेक से दुगने लंबे होते हैं और इनकी खुराक भी उनसे दुगनी होती है। गर्मियों के महीनों में कई हजारों शॉर्ट टेल्ड शियर वाटर्स आइलैंड का रुख करते हैं। उत्तर की सर्दियों में पेट भरकर खाने के बाद ये गर्मी पड़ते ही यहां ब्रीडिंग के लिए वापस लौटते हैं और बिलों में अपने घोंसले बनाते हैं। और भूखे सांपों के लिए ये किसी दावत से कम नहीं होते। नौ महीने तक अपने बिलों में रहने के बाद टाइगर स्नेक्स बुरी तरह सूख जाते हैं और उनके शरीर में हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बचता। ये सांप काफी कमजोर हो चुका है, लेकिन अगर उसने ये मौका गवा दिया तो पता नहीं उसे फिर खाने का मौका कब मिलेगा। चैपल आइलैंड टाइगर स्नेक्स चूजों को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन छोटे साइज के चूजों को। क्योंकि पैदा होने के कुछ हफ्तों बाद ही वो चिक्स साइज में बड़े हो जाते हैं और सांप उन्हें खा नहीं पाते, इसलिए यही शिकार का सही समय है। हर घोंसले में उसकी मां उसे बचा कर रखती है, इसलिए शिकार करना आसान नहीं होता। इसलिए पहले इस सांप को अपना रास्ता बनाना होगा और उसके एक वार से मादा चिड़िया दम तोड़ देती है। और अब चूजों की मां को ठिकाना लगाने के बाद सांप आराम से दावत का लुत्फ उठाने को तैयार है। इस सांप को अगले साल तक जिंदा रहने के लिए जितना हो सकता है उतना खाना खाना होगा। अगले कुछ हफ्तों तक ये इन 8 चूजों की दावत उड़ाएगा। अपनी इसी खुराक की वजह से चैपल आइलैंड टाइगर स्नेक्स की गिनती आज जाइंट्स में होती है। मुश्किलों से भरे इस कॉन्टिनेंट में रेप्टाइल स्नेक्स ने प्रकृति के हर बदलते रंग के साथ खुद को बदलने का तरीका खोज लिया है। ऑस्ट्रेलिया के इस बंजर मध्य हिस्से में न जाने कितने सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी है,
और आकाश में होती बादलों की गड़गड़ाहट से ये रेगिस्तान जैसा खिल उठा है। इस बारिश से यहाँ के निवासी जीवों को ही फायदा नहीं मिलता, बल्कि बाहर से आए हुए मेहमान भी इसका फायदा उठाते हैं। बद्रीगढ़ पंछियों का झुंड भी यहां आ पहुंचा है। ये हजारों मील दूर से ही बारिश का अंदेशा लगा लेते हैं और विशाल झुंडों में वहां पहुंच जाते हैं। ताजा घास की दावत उड़ाने के बाद ये बड़ी मात्रा में ब्रीडिंग करते हैं। ये बजीज अपनी अपनी जोड़ियां बनाते हैं और फिर एक महीने के बाद नन्हे बजीज को दुनिया में लाने की तैयारी में लग जाते हैं। ये पेड़ों के खड्डों में अपने घोंसले बनाते हैं। यहाँ पेड़ों की आड़ तो है ही, पर फिर भी इन्हें चौकन्ना रहना बेहद जरूरी है। वोमा पायसन, जिसे रेगिस्तान का सबसे खूंखार जकड़ने वाला सांप माना जाता है, ज्यादातर रेप्टाइल्स का शिकार करते हैं, पर इतनी सारी चिड़ियों को एक साथ देखकर कभी कभी इनका प्लान बदल जाता है। कोल्ड ब्लडेड जीवों का शिकार करने वाले इस सांप को बाकी पाइथन्स की तरह हीट सेंस करने वाले पिट्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने शिकार का पता लगाने के लिए अपने सूंघने और देखने की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। अपने नुकीले सिर की वजह से ये खोदने में माहिर होते हैं। इस हुनर का इस्तेमाल ये ज्यादातर दूसरे जानवरों के छोड़े हुए बिलों में घुसकर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, पर आज ये शिकार की खोज में है और जमीन पर बना ये घोंसला एक परफेक्ट टारगेट है। अपने ताकतवर शरीर का इस्तेमाल करके वो पाइथन्स अपने शिकार को उनके घोंसलों में कुचल कर भी मार सकते हैं, पर आज ये चूजों की मां को पकड़ने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल करेगा और फिर अपनी मांसपेशियों में जकड़ के उसे मार देगा। मां को मारने के बाद अब ये चूजों के पिता का शिकार करेगा और दोनों को खत्म करने के बाद ये पूरे परिवार की दावत उड़ाकर ही वापस लौटेगा। जहां ज्यादातर रेप्टाइल्स शिकार करने के लिए उसका पीछा करते हैं, ये जनाब बस सही मौके का इंतजार करते हैं। ये डेथ एडर पूरे साल एक ऐसी तरकीब लगाते हैं कि जिससे इनका शिकार ही सारी मेहनत करता है, और ये बेहद जहरीले सांप धोखे से मौका देखते ही उन्हें दबोच लेते हैं। ऐसा करने के लिए इनका सीक्रेट हथियार होता है इनकी पीले रंग की पूंछ, जो कि दिखने में एक लजीज कीड़े जैसी लगती है, और अब बस इसे शांत कोना पकड़ना है और फिर किसी रेप्टाइल के अपने पास से निकलने का इंतजार करना है। बदलनी होगी। अपने सब्र के लिए जाने वाले ये एडर स्नेक अपने कोनों में छुपकर कई दिनों तक, यहां तक कि कई हफ्तों तक शिकार का इंतजार कर सकते हैं। इसने अपने सामने से निकलते एक स्किंक को देख लिया है और अब यह चालाकी से अपने हथियार का इस्तेमाल करेगा। यह अपनी पूंछ को हिलाकर स्किंक को आकर्षित करेगा। स्किंक बहुत ध्यान से पूंछ को देख रहा है
और अब स्किन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के बाद एडर अपनी पूंछ को सिर के पास लेकर आता है ताकि शिकार के पास आते ही उसका निशाना चूके नहीं। एडर की पूंछ को अपना शिकार समझकर स्किंक एडर की तरफ बढ़ता है। एडर का शिकार अब उसके बहुत करीब आ चुका है। अब वो इंतजार करता है। वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। और बस एक ही वार में एडर अपना सारा जहर स्किंक में उतार देता है। इस तरह घात लगाकर शिकार करने में सब्र जरूर लगता है, लेकिन शिकार का पीछा करके उसे पकड़ने से कई गुना कम एनर्जी खर्च होती है। और इन जनाब को इस रेगिस्तान में अपनी एनर्जी बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जहां रेगिस्तान में जीवों को पानी की एक बूंद के लिए भी तरसना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से की कहानी बिल्कुल अलग है। काकाडू नेशनल पार्क पूरी दुनिया में अपने वेटलैंड्स के लिए मशहूर है। स्विट्जरलैंड के लगभग आधे साइज का यह नेशनल पार्क कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ के जीवों की जिंदगियां साल में एक बार आने वाले मानसून पर निर्भर करती हैं। और बारिश के इंतजार का ये लंबा समय काटना काफी मुश्किल होता है। काकाडू के तालाब धरती के सबसे बड़े रेप्टाइल्स के घर हैं, जैसे कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, जो कि 5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये खारे पानी के जीव ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। साल के ज्यादातर समय ये अपने 2 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, पर पिछले 5 महीने से यहां बारिश ना होने की वजह से तालाब अब सूखने लगे हैं। और अब इन मगरमच्छों के पास नए तालाब ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। और जब एक मेल दूसरे मेल की टेरिटरी में घुसने की कोशिश करेगा तो युद्ध होना तो लाजमी है। अब घुसपैठिए को बाहर खदेड़ने के लिए रेजिडेंट मेल को अपनी ताकत का प्रदर्शन करना होगा। जैसे जैसे पानी सूखता जाता है, काकाडू के कोल्ड ब्लडेड जीवों का जीना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ते तापमान में उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। गर्मी से बचने के लिए मगरमच्छ कीचड़ में रहना पसंद करते हैं। इससे ये मानसून तक गर्मी से बचे रहते हैं। पर इस कीचड़ में मगरमच्छों के अलावा कोई और भी है, सांपों की एक सेमी एक्वाटिक प्रजाति फाइल स्नेक। ये अपना आधा जीवन पानी में बिताते हैं, पर पानी सूख जाने पर इन्होंने कीचड़ में सरवाइव करने का तरीका भी खोज निकाला है। ये 40 मिनट तक अपनी सांस रोककर जमीन के अंदर रहकर खुद को गर्मी से बचाते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए सांस लेकर वापस अंदर चले जाते हैं। और अपनी इस काबिलियत से ये आराम से बारिश होने तक जिंदा रह सकते हैं। और आखिरकार आसमान में काले बादल दिखाई देने लगे हैं। बरसात आ चुकी है। काकाडू के तूफानों की गिनती दुनिया के सबसे बड़े तूफानों में होती है। बारिश की नमी से जैसे जंगल का हर एक कोना खिल उठा है।
और जो जीव दिन में बाहर आना पसंद नहीं करते वो भी बाहर आने लगे हैं, जैसे कि ब्लैक हेडेड पाइथन, जो कि दिन के समय अपने बिल में रहना पसंद करते हैं। लेकिन आज इसने अपनी केंचुली उतारने के लिए सीधे तालाब का रुख किया है। पानी में इन्हें अपनी पुरानी केंचुली उतारने में आसानी होती है और मौके का फायदा उठाकर ये जनाब खुद को रिचार्ज भी कर सकते हैं। ठीक किसी सोलर पैनल की तरह इनके सर सूरज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और अब ये इस एनर्जी का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करेगा। मॉनसून कैकेडू के जीवों के लिए किसी जीवनदान से कम नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से बारिश के साथ कुछ बिन बुलाए मेहमान भी यहां आ जाते हैं। बारिश के समय केन टोड्स भारी मात्रा में ब्रीडिंग करते हैं और बहुत तेजी से फैलते हैं। एक फीमेल टोड एक साल में करीब 70,000 बच्चे दे सकती है। 1930 से जब से ये मेंढक ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, इन्होंने यहाँ की रहवासी जीवों की आबादी का सफाया कर दिया है। जहरीले ग्रंथियों से लैस ये मेंढक अपने पास आने वाले किसी भी जीव को नहीं बख्शते और इनके जहर से सबसे ज्यादा खतरा उन सांपों को होता है जो इनका शिकार करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सांपों की एक प्रजाति ऐसी है जिसने इस घुसपैठिए से निपटने का तरीका ढूंढ लिया है। कीलबैक स्नेक बिल्कुल जहरीले नहीं होते, पर फिर भी वो केन टोड का शिकार करके सरवाइव कर सकते हैं। हाल ही की स्टडीज में पता चला है कि कीलबैक स्नेक बहुत तेजी से बदलकर खुद को टोड्स मारने में माहिर कर लिया है। एक सेंचुरी से भी कम समय में कीलबैक्स के शरीर अपने शिकार के जहर को पचाने के लिए लंबे हो गए हैं और उनके सर एक बार में कम खुराक लेने के लिए छोटे हो गए हैं, क्योंकि जितना छोटा मेंढक उतना कम जहर। ये वाटर स्पेशलिस्ट कीलबैक्स मेंढकों के छुपने की अड्डों का पता लगाने में माहिर होते हैं। इनके उभरे हुए स्केल्स शिकार ढूंढते वक्त इनकी फिसलन भरी जमीन पर पकड़ बनाने में मदद करते हैं। और जिस तरह प्लेट की तरह ये मेंढक फैलते हैं, इनका पता लगाना मुश्किल नहीं होता। कीलबैक्स में अपने शिकार को वश में करने के लिए जहर नहीं होता, उसका हथियार होता है उसके पीछे की तरफ मुड़े हुए तीखे दांत, जिससे वो शिकार पर पकड़ बनाता है। जहां बाकी सांप पहले अपने शिकार को सर से निगलते हैं, कीलबैक ऐसा नहीं करता। कहा जाता है कि मेंढक के जहर के असर को कम करने के लिए कीलबैक्स ने यह तरकीब इजाद की है। अगर कभी मेंढकों ने ह्यूमन रेस को इन्वेड करने की कोशिश की, तो हमें उन्हें हराने के लिए जरूर कीलबैक्स के सहारे की जरूरत पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के हर तरह के जीव मिल बांट कर रहते हैं। और ट्रॉपिकल क्वींसलैंड के जंगलों में आपको ऐसा साफ देखने को मिलता है। यहां पर सांप और जंगल में रहने वाले बाकी जीव मिल बांट कर जंगल की सुविधाओं का लुत्फ उठाते हैं। क्वींसलैंड कार्पेट पाइथन घात लगाने वाले शिकारी हैं
और अपने शरीर पर हल्के और गहरे रंग के पैटर्न्स की बदौलत ये आसानी से जंगल में घुल मिल जाते हैं। ज्यादातर ये किसी जीव के अपने पास से निकलने का इंतजार करते हैं और फिर उस पर हमला करते हैं। आज इसकी नजर किसी और इनाम पर है। स्क्रब टर्की मेल्स घोंसले बनाने में माहिर होते हैं और क्योंकि अंडों को सेक देने का काम इनका होता है, ये बहुत ध्यान से लकड़ियों और पत्तियों को चुनते हैं ताकि ये घोंसले का तापमान बनाए रख सकें। और एक अंडों का घोंसला इन पायथन के लिए एक बड़ी दावत से कम नहीं है, पर पहले उसे घोंसले के रखवाले से निपटना होगा। टर्की हार मानने को तैयार नहीं है। उसे घोंसला बनाने में महीनों लगे हैं और वो अपनी मेहनत को बर्बाद होते नहीं देखना चाहता। कुछ चीजों के लिए लड़ने का कोई फायदा नहीं होता, खास करके तब जब आपका ओपोनेंट वो सेल हो। आज इस पायथन ने एक बड़ा सबक सीख लिया है। एक टर्की डैड से उसके घोंसले पर कभी नहीं भिड़ना चाहिए। जहां एक तरफ कांपट पायथन एक नए शिकार की चाहत में अपना रास्ता भटक गया है, थोड़ी दूर नॉर्थ क्वींसलैंड में एक और सांप भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ग्रीन ट्री पायथन सांपों की एक पेड़ों पर रहने वाली प्रजाति है। इनकी खास तौर से अडैप्ट हुई पकड़ने के काबिल पूंछ इनकी पेड़ों पर आसानी से चढ़ने में और नेविगेट करने में मदद करती है, और इसके पीले रंग का पेट इसकी बाकी चीजों में कैमुफ्लाज होने में मदद करता है। जबकि ये पायथन सिर्फ 1.5 मीटर तक ही लंबे होते हैं, फिर भी जंगल के सबसे घातक शिकारी माने जाते हैं। इसकी पतली लंबी पूंछ चारे का भी काम करती है। अगर कोई शिकार नजदीक हुआ तो ये उसे हिलाकर उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। एक घात लगाने वाला शिकारी, वैसे तो इनके शिकार करने का कोई वक्त नहीं होता, पर रात का समय शिकार के लिए सबसे बढ़िया समय होता है, जहां पर अंधेरा इनका काम आसान कर देता है। अंधेरे की आड़ में पायथन शिकार की तरफ बढ़ता है। इसके हीट सेंसिंग पिट्स, जो कि इसकी जीभ के ऊपरी हिस्से में होते हैं, इसकी शिकार को ढूंढने में मदद करते हैं। गर्मी का पीछा करते हुए पायथन कबूतर की तरफ बढ़ता है। और ये शिकारी इतने आराम से आता है कि कबूतर को कोई अंदाजा ही नहीं होता कि अब क्या होने वाला है। ये अपने लंबे घुमावदार दांत से उसे पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसे जकड़ने लगता है। माना जाता था कि ये अपने शिकार को जकड़ कर मारते हैं, पर हाल ही की स्टडीज में कुछ और पता चला है। इनके जकड़ने से शिकार के शरीर में खून का प्रवाह रुक जाता है और नसें फूल जाने से हार्ट अटैक आ जाता है। कबूतर की दिल की धड़कन रुकते ही अब ये उसे निगल जाएगा।
मुश्किल परिस्थितियों में अडैप्ट करना ही ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड लाइफ के सर्वाइव करने का एकमात्र तरीका है। और माउंट एटना नेशनल पार्क में कुछ सांपों ने जिंदा रहने के लिए इस हुनर को बखूबी सीख लिया है। गर्मियों के समय जब धूप और उमस अपने चरम पर होती है, पार्क की लाइमस्टोन केव्स बेंट विंग बैट्स का घर बन जाती हैं। और पूरे देश के करीब 80% पॉपुलेशन यहां ब्रीडिंग करने आते हैं। इन गुफाओं में हर मादा एक बच्चे को जन्म देती है और फिर पूरी गर्मियां उन्हें दूध पिलाती है जब तक कि वो उड़ने के लायक नहीं हो जाएं। पर इन तापमान अनुकूलित नर्सिंग सुइट में इन बैट्स को एक कीमत चुकानी पड़ती है। यहां उनके साथ रहते हैं कई निर्दयी शिकारी। स्पॉटेड पायथन यहां दीवारों पर चिपके रहते हैं और जैसे ही फीमेल बैट्स खाना ढूंढने के लिए बाहर जाती हैं, शिकार की गर्मी से अंदाजा लगाकर ये अपना सही वक्त पर हमला करके शिकार को दबोच लेते हैं और ये अपने शिकार को जकड़कर मार देते हैं। ये हुनरमंद एक्रोबैटिक शिकारी होते हैं, पर इस गुफा में आज बस एक ही शिकारी नहीं है। नाइट टाइगर के नाम से जाने वाले ब्राउन ट्री स्नेक ज्यादातर सोते हुए शिकार पर ही हमला करते हैं, पर आज ये इस उड़ने वाली दावत का लुत्फ उठाने के मूड में है। जहर का इस्तेमाल करके ये बैट को घायल कर देते हैं और फिर उसे निगलते हैं। पर आज सिर्फ एडल्ट बैट्स की ही जान को खतरा नहीं है। गुफा की जमीन पर एक और शिकारी भी खाने का इंतजार कर रहा है, ग्रीन ट्री फ्रॉग। हर रात जब एडल्ट बैट्स खाने की तलाश में बाहर जाते हैं, तब कुछ बैट पप्स टकराकर नीचे गिर जाते हैं और ये मेंढक मौके का फायदा उठाकर उन्हें लपक लेते हैं। जो बैट्स गुफा के अंदर के शिकारियों से बच जाते हैं, वो पूरी तरह खतरे से खाली नहीं होते। कुछ और सांप गुफा के बाहर मंडराते रहते हैं। एक ब्राउन ट्री स्नेक खाने को लपकने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। गुफाओं में होने वाली इस सालाना दावत को देखते हुए ये सांप केव हंटर्स में तब्दील हो चुके हैं। मौके का पूरा फायदा उठाने का ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। इस विशाल कॉन्टिनेंट के हर एक कोने में सांपों ने जीने के तरीके खोज निकाले हैं। हर इकोसिस्टम पर राज करने वाले ये शिकारी एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। झुलसा देने वाले रेगिस्तानों से लेकर भरे पूरे ट्रॉपिकल जंगलों तक, विशाल समुद्री हैबिटेट से लेकर सब एंटार्क्टिक आइलैंड्स तक, इन सांपों ने बहुत बखूबी और आश्चर्यमयी तरीके से पृथ्वी के रंग में खुद को ढाल लिया है।